पाउंडिंग, मारा मारी, ऑफेंस, बॉडी इंजरी, क्या जाने ये सब किया है? हाँ, लीगल टर्म से देखा जाए तो हाँ, पाबरी ने प्रोवोक किया होगा, वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही पनिश करेंगे क्या? सनीम, शांत हो जाओ प्लीज। क्या वो कुछ बात आगे बढ़ी? जितना अज्यूम किया था उससे कहीं ज्यादा मिस्टर हेनरी, उनके पास मिस्टर जान की कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी है, तो इसीलिए। तो मतलब मेरे भाई जेल में रहेंगे? फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है, उन्होंने अभी तक टेस्टिमनी लाई तो नहीं, उनकी टेस्टिमनी जरूरी है, पर वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग? एवरीथिंग से क्या मतलब है आपका? मुझे जान से बात करनी है, इस बात का पता लगाना है, मुझे जान के पास जाने दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। जब तक टेस्टिमनी नहीं मिलती उनसे कोई नहीं मिल पाएगा, पर मैं जाकर सिचुएशन चेक करता हूँ, टॉक टू यू लेटर। ठीक है, मैं देखता हूँ। इसका क्या मतलब है लैला? मुझे यकीन है जान इसे मारपीट नहीं कर सकते, मुझे उनसे बात करनी होगी। सनम, रो क्यों रही हो तुम? सनम प्लीज मत रो ना, अगर तुम ऐसे रोगी तो मुझ में हिम्मत कैसे आएगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है, I'm so sorry। किस लिए सनम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी है, इसलिए रोना बंद करो। क्या ये सब क्या हो गया है जान? मैं आपको ऐसे जेल के अंदर नहीं देख सकती, और मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सनम, फाबरी जो चाहता था इस वक्त वही हो रहा है ना? हाँ बताओ मुझे, उसे हमें चोट पहुँचानी थी, उसे तुम्हें रुलाना था, हम उसे जीतने नहीं दे सकते ना? पर जान। सनम मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। मैं आपको ऐसी सड़ी हुई जगह पर अकेला छोड़ के, तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा, एजेंसी जाओ, काम खत्म करो, अब तुमको ही लीड करना है। जान। सनम प्लीज, और हमने से भी कहना ऑफिस आए, ठीक है? मुझे कुछ नहीं होगा। मैम आपका वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है, I love you too। सनम, सनम मेरे भाई कैसे हैं? हाँ वो ठीक है, वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हमेशा से वो काफी ब्रेव है, पर वो नहीं चाहते हम यहाँ रहें। क्यों? मतलब वो चाहते हैं हम ऑफिस जाकर काम करें, फाबरी की फिक्र ना करें। तुम सही कह रहे हो, हमारा लॉयर यहाँ भाई के पास है, आई एम श्योर वो हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, कम ऑन। मुझे मॉनिटर बनाया है। अब सिचुएशन कैसी है? आज भाई का स्टेटमेंट लिया जाएगा। गाइस एक्चुअली फाबरी और भाई के बीच में बहुत बड़ी अनबन हो गई, और उसने भाई के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिलहाल मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, सनीम को भाई से मिलने का मौका मिला था। हाँ गाइस, डोंट वरी, स्ट्रेस मत लो, जान चाहते हैं कि हम हमारे काम पर ध्यान दें, जैसे हम रोज कैंपेन क्रैक करते हैं वैसे आज भी हम हमारा काम करेंगे और बाकी सब वो संभाल लेंगे। तुम सब लोग काम पर ध्यान दो। सुना तुम सबने, मिस्टर एमरे ने क्या कहा? नो गॉसिपिंग, चलो अब जाकर सब अपना काम करो। मिस्टर एमरे, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी। मिस्टर एमरे, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मिस्टर जान की अरेस्ट की वजह से कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं होगी ना? क्या हम सारे फिक्री हारिका कंपनी वाले फिक्र के दायरे में आ जाएंगे? क्या होगा कुछ तो बताइए मिस्टर एमरे, हमें भी जानने का हक है। मिस्टर एमरे आप कुछ साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, सने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रही, जरूर कुछ तो गड़बड़ है मिस्टर एमरे। जी, मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले क्या कहा था? मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। जी, मेरा सवाल जायज है मिस डेरेन, सब ऑफिस में टेंशन लेकर घूम रहे हैं, द नेशन वांट्स टू नो मिस्टर एमरे, बताइए ना प्लीज। जी, शांत हो जाओ। जी, क्या कर रहे हो तुम? मैं शांत जी, चुप रहो। जी, चुप रहो। मिस्टर एमरे, मिस जैदा आई थी। क्या कहा उसने? मैकिनन को इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, पर अगर पता चला तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कुछ हुआ है। सुनो
सुनो, जब मैं बात करता हूँ मेरे बीच में मत आया करो, कोई ना कोई बात जरूर है। बेचारे मिस्टर जॉन को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। सही कहा, ये बिजनेस ऐसा ही होता है दोस्त। मैकेनन को पता चला तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ऐसे मत बोलो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मिस्टर जॉन कब से मार धाड़ करने लगे, वो तो ऐसे नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें कोई न्यूज मिली? नहीं, कोई न्यूज नहीं मिली, मैं काम करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके ओके, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। पर मैं तुम्हें यहाँ किस कर सकती हूँ, क्या तुम अलाउ करोगी? तुम्हें सिर्फ एक सिंपल कमर्शियल टेक्स्ट लिखना था, पता नहीं तुमने ये क्या लिख रखा है। मिस्टर जान, मैंने लिख दिया था, मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बिहेव करना चाहता सनम, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है अपने प्यार के लिए। हाँ, आई लव यू। क्या हुआ? वो देख रहा है। कौन देख रहा है, कौन? अरे वो कैमरा। किसने देखा, जल्दी बोलो कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा कोई कैमरा? आपके पीछे है कैमरा, उसे देखिए मत, पता चल जाएगा उससे। आपने ही लगवाया था ना ये कैमरा? हमने कैमरा यहाँ क्यों लगवाया, यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? हेलो मॉम। सनम बेटा, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। ये पुलिस स्टेशन का क्या चक्कर है, जान अरेस्ट हुआ है क्या? अच्छा तो मॉम आपको पता है, आपको कहाँ से पता चली ये खबर? सुन, नहीं मेरा मतलब इंटरनेट पर देखा मैंने। इन्फॉर्मेशन ये क्या बोल रही है आप? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझसे क्यों छिपाती हो, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। मुझे दो, मुझे दो, इससे सारी इन्फॉर्मेशन लो। वो मॉम थोड़ा बिजनेस रिलेटेड झगड़ा है और मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ मॉम। पर वो कह रहे हैं कि लड़ाई हुई थी कोई? नहीं मॉम, वो बात नहीं है, वो बस एक छोटा सा झगड़ा था। और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अभी थोड़ा काम है मॉम, मैं आपको रात को आकर सब बता दूंगी, ठीक है? अभी फोन रखती हूँ। हाँ बाय। हाँ, अगर जरूरी नहीं है तो ठीक है, ठीक है। मैं तो बस तुमसे यही सुनना चाहती थी बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। मॉम, डैड घर आ गए क्या, आप दोनों का झगड़ा खत्म हुआ? निहाद के बारे में मत पूछो, तुम्हारे पापा ना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं और कुछ नहीं। अरे छोड़ो मुझे, वो कभी नहीं सुधर सकते, उनसे सुलह करना तो इम्पॉसिबल है। अच्छा अब तुम फोन रखो, तुम क्या करना चाहती हो? क्या किया तुमने इसे, यहाँ रखो, मैंने कहा ना पानी में रखो। मैंने क्योर सेशन चल रहा है, मजाक नहीं है, मैं एफके भी मुझे ना पागल कर दूंगी। सनम, तुमने अपनी मॉम से झूठ क्यों बोला बताओ? तुम हमारी बातें छिप कर क्यों सुन रहे थे? नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे बात करने आया था, तो तुम फोन पर बात कर रही थी तो थोड़ा सा सुन लिया। हम मिस्टर जान को कैसे बचाएंगे, वो तुम्हारे लिए गए थे ना? पता नहीं, काश उनकी जगह मैं वहाँ होती, क्योंकि गलती मेरी है। इस फाबरी की तो मैम दिखने में बड़ा इटालियन जेंटलमैन लगता है, पर है नहीं, बिल्कुल मैनरलेस, एक नंबर का चालाक आदमी है। एनीवे, ये सब वो तुम्हारा परफ्यूम पाने के लिए कर रहा है ना? है? हाँ, मेरी वजह से हो रहा है। हाथों के पीछे पड़ा है वो तो। अगर जान मना नहीं करते तो मैं उसे वो परफ्यूम दे देती, मैं उसे दे दूँ क्या? नहीं सनम, नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम्हें याद है ना? अंजाम बहुत बुरा होगा सनम, मिस्टर जान ने कैसे वो चेक लिखकर फाबरी के मुंह पर मारा था। मिस्टर जान फाबरी की जान ले लेते उस दिन, इसलिए भूल जाओ ये सब, नो परफ्यूम, नथिंग, परफ्यूम देने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, अगर मिस्टर जान को पता चला तो वो बहुत अपसेट होंगे, समझ रही हो ना? जेजी, और क्या सलूशन है, अगर कंपनी बंद हो गई तो सबकी नौकरी चली जाएगी, हम हमेशा डर डर के काम करेंगे और इस सब में मेरी गलती है, और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। तुम सही कह रही हो,
ओके, हमें पॉजिटिवली सोचना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आज से हम पॉजिटिव सोचेंगे, एक परफ्यूम से दुनिया बदल जाएगी क्या नहीं यहाँ। अरे परफ्यूम वर्फ्यूम की बातें छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, वेयर इज द नेम? सनम कहाँ है? वेयर इज द नेम? यहाँ। दैट्स इट, अब रोना बंद करो और अपना जादू दिखाओ। वो पहनने के लिए भी कुछ नहीं ले गए। मिस्टर एमरे उनके लिए जेल में कुछ सामान ले जाएंगे, है ना? वो उदास दिख रहे थे, जैसे वहीं रहने वाले हो। मॉम आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मॉम? आप तो ऐसी बात कर रही है जैसे वो पूरी जिंदगी बाहर रहने वाले हैं। आपको तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं तुम्हारे डैड की बात कर रही हूँ जान। सबकी यहाँ अलग अलग परेशानियाँ हैं, क्या बोलूँ। मॉम डैड आज भी घर नहीं आने वाले हैं क्या? मुझे नहीं लगता वो आएंगे। कैसा हस्बैंड मिला है मुझे, कैसा हस्बैंड है। सारी औरतें आज देख रही थी उन्हें और उनकी सिलवटों वाली शर्ट को देख रही। उन्हें शर्म नहीं आती, ग्रोसरी स्टोर में रह रहे हैं, पूरी रात वही रहेंगे आलू की बोरियों के साथ। अगर आज मुझे मैकी बे कहकर बुलाया ना तो मैं मुड़कर नहीं देखने वाली। फिर से स्ट्रेस हो रहा है मुझे, स्ट्रेस से ही मेरा पेट भर गया है। तुम लोग टेबल साफ कर देना, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। ठीक है मॉम, आप जाकर सो जाइए। तुम खाओगी? मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे भी खाने का मन नहीं है, जाओ मैं साफ कर देती हूँ। मैं ऊपर चली जाती हूँ। अरे बाप रे, मुझे प्रेग्नेंट लेडी जैसा लग रहा है, कितनी स्टिफ हो गई है मेरी बॉडी। एक औरत आदमी को कहीं भी घर बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। पूरी जिंदगी मैंने काम किया, अभी भी वही कर रहा हूँ। क्या किस्मत है मेरी, अब यही मेरा घर है, यही मेरा किचन भी, यही पर काम करना है मुझे। तो फिर सनम, लॉयर से कोई न्यूज मिली क्या तुम्हें? नहीं, थैंक यू लैला। अगर कुछ न्यूज मिली तो मिस्टर एमरे कॉल करेंगे, है ना? मैंने मिस्टर एमरे को कॉल किया था। मुझे उन्हें बार बार कॉल करके परेशान नहीं करना है। मिस्टर एमरे तो मुझे वैसे भी इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वो मुझे ही ब्लेम करेंगे। पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है, प्लीज तुम ऐसा मत कहो। हाँ वही तो, उसने तुम्हें क्यों ब्लेम किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती। कैसा है वो आदमी, अब याद आया क्या उसे कि उसका भाई है? तब कहाँ थी उसकी समझदारी जब खुद अपने भाई को जेल में डालने वाला था? हर बार तुम्हें ब्लेम करता है। उसने तो सबको रिश्वत दी और तुम लोगों को बैंक्रप्ट कर दिया। पर अयान, तुम्हें सारी डिटेल्स थोड़ी पता है, और वैसे भी ये पास्ट की बातें हैं। पर पता है क्या, कभी कभी पास्ट हमारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। सही कहा। एनीवेज, हम मिस्टर जान को जानते हैं, वो कभी भी ऐसे किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स नहीं करते, इस सब में उस फाबरी का हाथ होगा। पुलिस को तो फाबरी से भी पूछताछ करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल वो करेंगे, पुरानी दुश्मनी है तो सारे रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उस्मान, कोर्ट की बात मत करो, मैं नहीं चाहती कि बात वहाँ तक पहुँचे। पर तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, मिस्टर जान का ट्रायल होगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। फिलहाल उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देंगे। सनी, फिक्र मत करो, ओके? वो जान दिवित है, अच्छे लॉयर्स उनके पास कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ, हम सब तुम्हें ये सैड करने के लिए नहीं कह रहे, बट तुम्हें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। अच्छा, उसका नाम क्या है? फाबरी। मुझे लगता है अगर फाबरी ने कंप्लेन वापस नहीं ली तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। मैंने ये क्या कर दिया, हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाएगा, मिस्टर एमरे और बाकी सभी लोग। वो सब सही कहते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर अकेले रहना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ और रेस्ट करो, वैसे भी हम काफी देर से जगे हुए हैं। बाद में मिलकर बात करती हूँ। ओके।
उस औरत ने ये देते वक्त ये कहा था कि तुमने मुझे मेरा प्यार वापस कर दिया, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी, ऐसा कहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है जान, और मैं ही इसे ठीक करूंगी। हेलो मिस एनिम, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आपके पास वक्त है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मिलते हैं। सच को तो मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था, इतनी जल्दी आएगा पता नहीं था, लेकिन मुझे एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए अर्जेंटली बात करनी है, हम देर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ऑफिस में ही रहूंगा दिन भर, तुम आ जाओ, बात करते हैं हम, ठीक है? हा? नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं, मैं वहाँ नहीं आना चाहती, कहीं और मिलते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, ठीक है वहां मिलते हैं आधे घंटे में। आइलीन, सनम ने मुझे कॉल किया था और वो मिलना चाहती है। देखा कैसे पंछी खुद पिंजरे में आ गया। मिस एनिम, वेलकम। मैंने कॉफी ऑर्डर की थी मेरे लिए, तुम क्या लेना चाहोगी बताओ मुझे? नो नथिंग थैंक्स, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना है, सो प्लीज। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं, बोलो तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे, जान से और एजेंसी से दूर चले जाएं। देखो अगर बात ध्यान से सुनने वाली है तो सुनूंगा, वरना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे, जान से और एजेंसी से दूर चले जाए हमेशा के लिए। मिस सनम, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे मुझे फायदा ना हो। अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मैं तब तक इंतजार करता हूँ जब तक उस चीज को मैं पा ना लूं। मैं आपको परफ्यूम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले आप जान के खिलाफ की गई सारी कंप्लेंट्स को वापस लेंगे, आप उन्हें शेयर वापस करेंगे और मैं आपको परफ्यूम देंगे। सनम, मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी जुबान से हिर जाती हो। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जिंदगी से दूर चले जाए, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर सकती हूँ और उससे वापस नहीं फिरूंगी। ठीक है, मैं शेयर्स वापस लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी और एक शर्त है। क्या है शर्त? जान को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यही बात मेरे समझ में नहीं आती कि तुम इस इंसान से इतना डरती क्यों हो, क्या वजह है? ये डर नहीं है,
प्यार है। प्यार? मुझे पता है ये बातें आपके समझ के बाहर है, लेकिन अगर उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा करते हैं। मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए, तुम देर मत करना। लेकिन क्या है, फिर चीजें और खराब हो जाएंगी। नहीं होगी देर मिस्टर फाबरी, डोंट वरी। सनम, कल यहीं पर मिलते हैं, क्या तुम आ सकती हो? ऑलराइट।